पूरे देश से बड़े नेता आ रहे हैं, भाजपा के भी और कई अलग प्रदेश में मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत हर्ष की बात है कि कल गोवा में शपथ विधि हो रहा है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि गोवा की जनता ने एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है और विशेष रूप से पूरे देश में मोदी जी ने जो कार्य किया है उस कार्य की सराहना हर राज्य में हुई है और उसी का नतीजा है कि गोवा में भी हमको एक जीत मिली है। गोवा में के अलावा और कौन पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा? देखिए, ये सारी चीज़ें तो अभी तय होनी है, जब जैसे तय हो जाएगी आपको बोल देंगे। और सर, वाराणसी में एक हवा होता कि डॉक्टर प्रमोद सावंत उद्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेत आहेत, स्वतः पंतप्रधान गृहमंत्री उपस्थित राहत आहेत, अतिशय मनापासून आम्हाला आनंद आहे की गोव्याच्या जनतेने एक फार मोठा आशीर्वाद पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षाला दिला। मी असं म्हणेन की मोदीजींनी देशामध्ये जो एक विश्वास निर्माण केला आहे त्याला प्रतिसाद गोव्याच्या जनतेने दिला आणि एक चांगलं बहुमत आम्हाला या ठिकाणी मिळालं आहे आणि उद्या पुन्हा एकदा डॉक्टर प्रमोद सावंत हे मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेत आहेत, मंत्रिमंडळाची शपथ देखील उद्या होणार आहे आणि मला विश्वास आहे की आता पुन्हा ही जी एक नवीन सरकार हे जे येत आहे हे सरकार गोव्याला समृद्धीकडे नेण्याकरता चांगला प्रयत्न करेल आणि एक अतिशय चांगलं गोवा या ठिकाणी तयार होईल। या संदर्भातला निर्णय हा केंद्रीय भाजप घेतं, त्या संदर्भात त्यांच्याकडनं आम्हाला अवगत केलं जाईल, त्या संदर्भात मी घोषणा करू शकत नाही।